नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में नदियां उफान पर है। खासकर गंडक नदी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कल और आज गंडक नदी का कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ा है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन के द्वारा बांध को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे कुछ दिनों पहले ही गंडक नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाद बांध के अंदर के इलाकों में बाढ़ आ गया था। हालांकि पानी कम होने के बाद अब बाढ़ की समस्या कम तो हुई है, लेकिन फिर से एक बार गंडक नदी उफान पर आ गई है। दरअसल लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल सुबह तक करीब 30 से 40 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी होगी, जिसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। खास करके सारण, गोपालगंज और मोतिहारी और बेतिया के जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बाढ़ को लेकर निगरानी कर रहे हैं और कामों का जायज़ा भी अपने अधिकारियों से ले रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरह से गंडक नदी ने भारी तबाही बिहार में मचाया था, उस तबाही को देखते हुए अभी से ही प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार की कई नदियां अभी उफान पर हैं। उधर सीतामढ़ी मोतिहारी की तरफ जो कमला नदी है वो भी उफान पर चल रही है, तो इधर गंडक का भी पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। वहीं आपको बता दें कि पानी का कटाव भी काफ़ी तेज़ हो गया है। सारण के कई इलाकों में लगातार गंडक नदी का कटाव काफ़ी तेज़ हो गया है, जहां पर भी प्रशासन के द्वारा कटाव के रोकने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के पकहा गांव की यह तस्वीर है। आपको बता दें कि यहां पर भी बांध को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, और जिला प्रशासन और आपदा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बांध को मजबूत करने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर कई अधिकारी भी इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं। और ख़ास करके ग्रामीण भी बांध की मजबूती को लेकर चिंतित है और इस काम को देखने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। यह रिपोर्ट प्रदीप राज ने बैकुंठपुर से भेजी है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब